भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। आप जहां जाते हैं वहां की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। उत्सव थालीज ऑफ इंडिया का ये सफर हमें ले आया है हैदराबाद में। टुडे अ बसलिंग कॉस्मोपॉलिटन सिटी, Hyderabad has a very rich and interesting history. An ancient junction between Andhra, Deccan and the Marathas, this city has seen the rise and fall of various kingdoms. Jiska asar aapko milega yahan ke cuisine par. Hyderabad ke har andaaz mein ek grandness dikhti hai. Chahe wo yahan ka shahi architecture ho ya uske around phele ancient bazaar. Hyderabadi cuisine has given a lot to the world. Aur wo delicious food yahan ki streets par 24/7 available rehta hai. This place is literally a foodie's heaven. Shagun Segan, jo ki ek passionate street food blogger hain, aaj hame yahan ke kuch ultra special food joints se introduce karane wale hain. Welcome to Hyderabad. Thank you. And the beautiful Charminar. What a gorgeous weather. Absolutely. It's going to rain, I think. Yes. और बारिश में हैदराबाद की चाय लेते हैं हम। And what about these biscuits? हैदराबाद में जैसे ईरानी जब आए थे तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रह गया है। This is a khajur. Basically it's a crumble. Yes, baked crumble. और ये यहाँ का बहुत फेमस फाइन बिस्किट। Fine biscuits. इसको प्रेस किया और टूट जाएगा पूरा। That's why it's called very fine and delicate. Another बहुत important यहाँ पे जो चीज़ है वो है उस्मानिया बिस्किट। कोई चाय उस्मानिया के बिना नहीं होती। I love the beautiful cracks on the cookie. और कहते हैं जब cookie ऊपर से crack होती है, it's a good sign. Good sign. Of a good way to bake. हैदराबादी तरीका है, इसे हल्का सा तोड़ा, चाय में डुबोया और खाया। Oh, very light. ये हमारा रोट। That's dum ki rot. It smells of ghee, saumph and cardamom actually. और सिर्फ यहीं ये मिलेगा एकदम फ्रेश। अभी वॉर्म भी है। वॉर्म। अभी ये फ्रेश निकल के आया है बस। लोडेड विद घी। सो ये उस्मानिया बिस्किट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इतने पॉपुलर क्यों है यहाँ पर? जब मीर उस्मान अली, जो हैदराबाद के लास्ट निज़ाम थे, वो गए उस्मानी हॉस्पिटल। उस्मानी हॉस्पिटल में उन्होंने जब खाना खाया और देखा, उनको लगा कि ये ब्लैंड है, हैदराबाद की पहचान नहीं आ रही है इसमें। तो अस्पताल में भी तब उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो हैदराबादी पैलेट में खट्टा मीठा, ऐसे खारा खट्टा मीठा आए। तो ये बिस्किट उन्होंने बनवाया कैंटीन में। तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि हल्का सा नमक का फील आता है, मीठा भी है, नमक भी है, बटर भी है, फ्लेकी है, सब है। इतनी बात पक्की है, रोट और उस्मानिया बिस्किट, दे आर वेरी वेरी टेस्टी। व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? ब्रेकफास्ट में एक तो है मुंशी नान। ये पाए में तोड़ के सवेरे सवेरे एकदम हेवी वाला ब्रेकफास्ट खाते हैं हैदराबादी। तो ये हैदराबाद के ब्रेकफास्ट का बहुत एसेंशियल पार्ट है। देसी घी इस पे ग्लेज आता है और फ्रेश ये लेके लोग घर पे जाके आराम से खाते हैं। यू कैन एक्चुअली ईट इट ऑन द गो। बिल्कुल। और यहाँ पर एक हलवा भी बहुत फेमस है हैदराबाद में, जाउजी हलवा। जाउजी हलवा विच इज मेड आउट ऑफ जर्म्ड व्हीट। यस। तो हमीदी उस जगह का नाम है जो पिछले 110 साल से अभी भी वो हलवा बना रहे हैं। सो ये जो जाउजी हलवा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये जो थे मिस्टर जो आए थे वो
टर्की से आए थे, 15 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि मैं अपना टर्की का जो फ्लेवर है जाउजी का वो हैदराबादियों को दूंगा। उस टाइम निज़ाम इतने खुश हुए उनका टेस्ट करके कि ये एक ऐसी चीज़ है जो निज़ाम ने अपना सील लगा के सर्टिफाई किया है कि आप खोलिए, हैदराबादियों को ये दिखाइए कि क्या जाउजी है। एंड आई मस्ट से द हलवा इज यमी, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं एंड आई कैन टेस्ट नटमेग इन देयर। तो जाउजी जो है वो उनका वो फ्लेवर इंटैक्ट है विच इज़ अ सीक्रेट। तो उनका दावा है कि आपको मैं सारे बता दूंगा इंग्रेडिएंट क्या हैं, तब भी आप ऐसा नहीं बना पाएंगे, ये उनका दावा है खुला। और शेफ, इसके बाद एक यहाँ पे और फेमस है जो अभी भी 60 साल से हाथ से चर्न करके आइसक्रीम बनती है फ्रेश एवरी मॉर्निंग, ये यहाँ की फेमस आइसक्रीम, नाम भी फेमस है इनका। It's time to taste the first thali of Hyderabad, the fully loaded Andhra veg thali. जो आंध्रा थाली है, come to think of it, उसके अंदर influences हैं coast के, रायलसीमा के जो अपने chili growing region की वजह से बहुत मशहूर है और वहाँ का खाना भी बहुत spicy है. एंड थर्ड इज तेलंगाना जो अब सेपरेट स्टेट है लेकिन उसका खाने का भी इन्फ्लुएंस है एंड ऑब्वियसली देयर इज निजामी फूड व्हिच इज वेरी वेरी पॉपुलर सो दैट इज व्हाट मेक्स कंप्लीट आंध्रा फूड बट अगेन निजामी फूड इज समथिंग डिफरेंट हटके। तो ये हमारी पूरी एक लोडेड थाली है, आई कैन सी दैट। यस, तो हैदराबाद में, तेलंगाना में एंड आंध्रा में ये बोलते हैं कि जितनी कलरफुल थाली हो उतने न्यूट्रिएंट्स कवर्ड हैं। लुकिंग एट दी स्पाइस मिक्सेस यानी कि पूड़ी और यहाँ के जो आंध्रा के अचार हैं और यहाँ के जो स्नैक्स हैं, जो लोग हैं यहाँ पे उनको चटपटा खाना बहुत पसंद है। बिल्कुल। इफ आई टेक जियोग्राफिकली दी एंटायर साउथ ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा चटकोरा खाना कम्स फ्रॉम आंध्रा। आई मीन मेन कोर्स स्टार्टर्स एक तरफ, जो अकम्पनीमेंट्स हैं दे आर रॉक सॉलिड ऑन देम। एब्सोल्युटली। ये एक नॉर्मल फ्राइड प्लेट है, इसमें एवरीथिंग इज फ्राइड, सो दिस इज लाइक अ स्नैक प्लेट। लेट इज स्नैक प्लेट। इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सकिनेलू। दिस इज बेसिकली चकली, नॉट विद द कलर, लिटिल बेसन, राइस फ्लावर, सेसमी सीड्स। आई लव दैट टोस्टी फ्लेवर सेसमी एंड वेरी क्रंची। दिस इज चेगोंडी। सो द नेम कम्स एक्चुअली फ्रॉम द ईयर लोब। ईयर लोब कान के जैसा दिखता है, तो कान तेलुगु इज चेव एंड दिस इज फॉर योर स्वीट। दिस इज अगेन अ डीप फ्राइड घी में अरिसेलू। अरिसेलू इज मेड आउट ऑफ राइस फ्लावर, राइस फ्लावर एंड जैगरी। So, जैसे यू हैव मालपुआज इन राजस्थान, दिस इज समवॉट सिमिलर बट फ्रॉम द साउथ। एंड दिस इज पुत्रेकुलु। पुत्रेकुलु, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेजर्ट्स और अ स्वीट डिश एनीवेयर अक्रॉस। तो यहाँ पे आंध्रा में अगर जाएंगे आप उस साइड, देयर इज अ विलेज विच स्पेशलाइजेस ओनली इन दिस, बिकॉज द हैंड्स दैट यू नीड टू फोल्ड इट एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट एवरीवन्स। इट्स फेनोमिनल। लुक एट दैट, इतना पतला राइस पैनकेक and crispy and melts in your mouth. Is there a dish that you begin your thali with, or ye andhra thali you can with a sweet? With a sweet. So if you look at this, this is actually a sweet. What is this? So this is actually a purnalu. 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 So purnalu has a jaggery inside and it's chana dal. Yes, chana dal, and it's coated with a batter which is fermented and soaked overnight and then fried. Wow. So, मीठा हो गया। अब उसके बाद ये पुलुसु। पुलुसु, yes. Wow, this is so good. So, ये actually is more like a summer drink. जब यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, temperature 47 चले जाता है, इसको पियो ठंडा पूरा। पुलुसु is not really a rasam, but एक ड्रिंक है जो पकाया नहीं जाता। पकाया नहीं जाता। ये क्या है? आलू? This is mango दाल, mango पप्पू। So, it's very interesting. जब मैं होटल ज्वाइन किया, आई रिमेंबर आई ट्रेन अंडर हैदराबादी शेफ, उन्होंने मुझे बोला बेटा आज हम बनाएंगे पप्पू। मतलब किसका? तो नहीं, पप्पू दाल होता है, परपू। टोमेटो? मतलब टोमेटो का पप्पू बनाओगे? मतलब सो इट वाज अ बिट फनी अंटिल आई रियलाइज दैट पप्पू इज परपू व्हिच मींस दाल। इवन ऑन दिस प्लेट वी हैव टू चटनीज, वन इज योर गंगूरा चटनी एंड देन यू हैव द बीराकाया। व्हाट इज बीराकाया? बीराकाया इज तुरई। वेरी टेस्टी। आई मीन I like to try, but इतनी भी अच्छी नहीं लगती मुझे, but this is very interesting. ये मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। Almost हर एक dish खट्टी है। इस भिंडी के अंदर है tamarind की खट्टास,
इसके अंदर है दही की खटास, इसके अंदर है घुंगरा की खटास, इसके अंदर है मैंगो की खटास। सो ये पैसे रटू बनता है ग्रीन मूंग दाल का। यस, मूंग दाल। कई लोग इसमें चावल भी डालते हैं हल्का सा। आई टेल यू दिस पैसे रटू इज वन सुपर फूड, 100% लेंटिल, नॉट रियली फर्मेंटेड, ईजी टू मेक, यमी, बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट। या बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट एंड पेयर्ड विद दिस ब्यूटीफुल चटनी। एंड नाउ वी हैव द सर्वपिंडी। व्हाट इज सर्वपिंडी? द लिटरल ट्रांसलेशन इज एक्चुअली पैनकेक। इट्स यम। सो दिस हैज योर चावल का आटा एंड स्पाइसेस, हल्का सा चना दाल, एंड दैट्स हाउ इट्स मेड। यू फॉरगॉट द मेन इंग्रेडिएंट। क्या? हरी मिर्च। आई हैव नेवर हैड दिस बिफोर। अगर गिवन अ चॉइस बिटवीन अ डोसा एंड अ सर्वपिंडी, आई थिंक आई विल गो फॉर सर्वपिंडी। शगुन, आई हैव हैड अ सच अ ग्रेट मील। इसमें से कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू एंड स्पेशली द सर्वपिंडी, बिकॉज दिस इज वेरी डिफरेंट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कुक दैट फॉर यू एंड शो यू हाउ वी मेक इट इन तेलंगाना। आंध्रा की वेज थाली खाने के बाद लेट्स लर्न हाउ टू कुक सर्वपिंडी विद शगुन। You first take the bowl and some lukewarm water. So ये जो सर्व पिंडी है, it's like a snack or you can say a tiffin item. Yes. मतलब breakfast में खा सकते हैं. Breakfast, evening snack, anytime. तो इसमें पहले हम थोड़ा नमक मिला के, नमक पहले पानी में घोल लेंगे. Then we take rice flour, हल्दी थोड़ी सी. It's a quick recipe, it looks. Very quick. मिर्ची. Then we add some ginger and we have some garlic, onions. We have the chana dal which has been soaked a little. So कच्चा है. It's कच्चा. Dhaniya to go with it, and you can help me chop some kadi patta. Yes. Sure. Again, kadi patta is one particular ingredient jo entire south of India uses. And we add a little bit of dill, lightly roast. Lightly roast, and some green chilies for the local touch. Bas, ab isse aata ki tarah hum haath se mix kar lenge. और अभी हमारे पास थोड़ा सा रेडी है ये डो विच हैज बीन सिटिंग एक घंटे के लिए, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड शेफ, यू वांट टेक ओवर नाउ? हां, यू वांट ट्राई? अब क्या करना है? बस इसका बॉल बनाएंगे। ओके। और फिर इसे हम इस पैन पे सेट करेंगे। ऑयल या और इसे फैलाना है। बस ऑयल हमने नीचे पहले लगा दी ताकि चिपके ना, फटे बिना बस आराम से हम इसको सेट कर देंगे। और इसके बीच में टू कुक इट बेटर, एक हम छेद करेंगे थोड़े से अपनी उंगलियों से। लाइक दिस? यस। लवली। सो दिस गोज, यस, ऑन द स्टोव। अब इसे पकाना है। यस, बोथ साइड्स। बोथ साइड्स। सो सम ऑयल ऑन द टॉप। यस। तो शेफ, जैसे हम ये देख रहे थे इसके बारे में सर्वपिंडी, तो जो सर्व वर्ड है इसमें, दैट एक्चुअली मींस पैन। कि जो ट्रेडिशनल तरीका था पहले गांव में, इट वाज एक तवे में पैन के अंदर इसको उल्टा चिपकाया जाता था। एंड पिंडी मींस अ केक फॉर्म। इसका लिटरल ट्रांसलेशन इज अ पैनकेक। हां, तो इंडियन पैनकेक। दिस इज सो गुड। आई मीन एज अ शेफ द बेस्ट दैट यू कैन डू इज मेक फ्रेंड्स ओवर फूड। एब्सोल्युटली, एंड फूड बाइंड्स अस ऑल। यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू। जनार्दन कासा, ओनर ऑफ किचन्स ऑफ गोदावरी रेस्टोरेंट एंड एक आंध्रा फूड एक्सपर्ट, और आज हम इनसे सीखेंगे एक स्पेशल डिश गोंगुरा मामसम की रेसिपी, जो कि एक टिपिकल आंध्रा स्टाइल मटन डिश है। शेफ, गोंगुरा मामसम के लिए क्या क्या चाहिए होगा? बेसिकली गोंगुरा मामसम के लिए आपको मेन इंग्रेडिएंट रहेगा ऑफ कोर्स गोंगुरा, विच इज सोरल लीव्स, विच इज लिटिल बिट सार इन टेस्ट। इफ यू टेस्ट यू विल नो इट इज सार। एंड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री गोंगुरा इज वेरी वेरी पॉपुलर। वी यूज इट इन एनी पॉसिबल वे। वी मेक इट चटनी, वी मेक फॉर दाल, वी यूज फॉर मटन, वी यूज फॉर चिकन। पिकल? पिकल, या पिकल। ऑलराइट शेफ, सो सबसे पहले हम लोग पहले मटन कुक करेंगे। Let the pan heat and then we'll have some oil. So what we will do is we'll just put some garam masala in this. Okay. 3-4 pieces of this. Cinnamon stick. So I will add some curry leaves. Now we'll add some onions. A few bay leaves. Abhi onion thoda sweat ho gaya. I think we should add the lamb now. In this, we'll add ginger garlic paste.
ज़्यादा। आई थिंक आंध्रा एक ऐसा रीजन है जहाँ की जो चिली है वो बहुत मशहूर है। आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ चिली इज आंध्रा। सो लिल वाटर, या नाउ वी विल ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। सो अब हमें सिर्फ मटन को पकाना है। पकाना है बस। इसको निकाल कर वी विल स्टार्ट विद गोंगूरा। लेट दिस कुक। इसके लिए लिटिल बिट ऑफ ऑयल। Now again, we'll give a small tempering to this before we put the gongura leaves. Now in this, we'll add mustard seeds, jeera, the chilies, gundur chilies. मतलब उसमें भी काफी मिर्ची थी, यहाँ पे सूखी लाल मिर्च भी खूब डाली है। मतलब if you're trying Andhra food for the first time, it should come with warning. Chilies there. Even though I have used so much of chilies, you will be surprised. It is not going to be spicy. Ah, when an Andhraite says that, never trust him. Why? Because you are gongura. Yeah, see, I told you. इसके अंदर प्याज की मात्रा काफी है। प्याज स्वीटनेस लाता है, गोंगरा विल ऐड द सारनेस विच क्रिएट्स दैट बैलेंस। एंड बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें या लेयर्स नहीं है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फ्लेवर ऑफ मीट कमिंग थ्रू। ओके, नाउ द ऑनियन इज सॉटेड, देन वी विल पुट द गोंगरा। दिस इज ऑलरेडी वॉश्ड। I love the green color, but मुझे मालूम है कि अब वो green बिल्कुल brown हो जाएगा, and it'll happen very fast. Dash of water. Yeah. Little bit. Yeah. So now gongura is cooked. Yeah. You, as I said, it's hardly few minutes to cook. Yeah. Our mutton is also ready. Yeah. So what we'll do is we'll just mix both of them. का रंग अब धीरे 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 डार्कर शेड ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन की तरफ चला जाएगा बिकॉज ऑफ गोंगुरा। कवर इट अप फॉर कपल ऑफ मिनट्स। पुनर, आई थिंक गोंगुरा मांसम इज रेडी नाउ। लेट्स सी। यस, इट इज डन। परफेक्ट सर, ये तैयार हो गया। थाली भी आपकी तैयार होगी। लेट्स ईट। लेट्स ईट। The very famous Andhra non-veg thali tayar hai apni fish, mutton, country chicken, prawns and pickles ke saath. And there is no surprise that ye thali bhi like other South Indian thalis serve ki ja rahi hai banana leaf par. It's the banana leaf that binds the entire South India together. Kafi achhi ek thali lag rahi hai, jiske andar I can see starters, chutney. To shuruaat karni hai meethe se. Meethe se. Aur ye hai? Parmanam. Parmanam is a kind of a rice kheer. Ah, very interesting. Something very similar exists with the Tamilian Brahmin community food also. Jab wo thal mein serve karte hain sara khana, shuruaat isi se hoti hai. Karte hain. Now traditionally what happens is, the food is served in a banana leaf. You're served with a sweet, then you get your savory fried chili, or we get some kind of a vada. This is pesar garalu, we call it. Okay. So made with moong dal, and along with that to munch we have a freshly made roti pachadi. Roti pachadi is you ground freshly at that time with the available whatever available vegetable you have. Like today we are using dondakai. Hindi mein tindli hai. Tindli ki chutney. Chutney hai. I think one of the most important aspects of Andhra cuisine is the pickles and the chutneys that they do. I think across India, Andhra pickles are very, very famous. True. Andhra ke andar itne mirchi aur itne spices hai, lekin ye jo fish preparation hai, I must say, iske andar minimalistic spices use kiye. Yes. Now what happens if you use lot of spices in this, you lose the flavor of the fish. Now this fish is very, very popular in the coastal. This is a sea fish. Then I will tell you like what goes with what. Now here you see in one corner you have something called ragi mudda. This is made with ragi flour, has a little bit of rice in that. And along with this, you can have natu kodi pulusu or natu kodi kura. I like the country chicken. It's much more meatier. It's different from the broiler. Yeah. And काफी time बाद मैंने थाली में एक country chicken खाया. What's the reason के आपने broiler ना use करके country chicken use किया? Traditionally, what we are used to is the chicken which used to be grown at home. This chicken is more tastier because this is not sitting in one place and eating. This goes around. Regular chicken थोड़ा soft होता है, but this is tougher. This is almost like your mutton.
the entire India and world over, Hyderabadi food is very famous. Yes. लेकिन Hyderabadi खाना नहीं है, ये आंध्राइट food है या आंध्रा का खाना है, जिसके अंदर non vegetarian की इतनी ज़्यादा different varieties हैं. At the same time, it has got no connection to that Hyderabadi or those yes. Mughlai flavors, to be honest, true, or those true. Nizami very flavors. Very much. Telugu food is entirely different. Hmm. So ये जो गोंगुरा मामसर हमने अभी बनाया है, इसे white rice के साथ serve करते हैं. मटन चिली गोंगुरा की सारनेस, इट इज स्पाइसी एंड आई कैन सी इट क्लियरली ऑन योर फेस एज वेल. आई डोंट फील इट स्पाइसी. यू डोंट फील इट स्पाइसी बिकॉज़ वी आर यूज्ड टू इट. या सो दैट्स द दाल. यस. कोई तड़का नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं. एंड ये काफी थिक भी है. थिक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मुद्दा. मुद्दा मींस लम थिक, एंड दैट इज द घी. So you mix it with rice, dal and rice and achar. ये achar spicy है ना? ये तो spicy है. हाँ, you agreed on something. You won't feel the spice because dal has nothing, rice has nothing. It's only the pickle and just one small piece I gave you. Ah, lovely. Are you feeling the spice? No. और ये एक वड़ा पड़ा हुआ है. हाँ. ये बिल्कुल जैसे दही बड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, लेकिन ये मीठा है. हाँ. वड़ा सही है. उड़द दाल का ही है. उड़द दाल का ही है. ये तो दही भल्ले जब हम खाते हैं उसमें जो भल्ले डालते हैं वो है. दिस इज कुक्ड इन जैगरी. जैगरी के अंदर कुक किया हुआ है. हाँ. ये मैं पहली दफा खा रहा हूँ एक वड़ा विच इज स्वीट. वेरी गुड. एंड एंड इज तांबूलम. तांबूलम इज समथिंग व्हाट वी हैव हियर. पान. पान एंड फिनिश ऑफ विद अ बनाना. सो आई कैन हैव बनाना. बनाना. या बिकॉज़ स्पाइसेस आर हाई फॉर यू सो विल किल लिटिल बिट. दिस इज वी कॉल इट कर्पूरा. द स्मॉल एंड स्टाउट एंड थिक. Out and it has the flavor is not very sweet if you see. Mm-hmm. A little bit on sour side. Let's have some paan. Very mellow, nice. I think ये जो non-vegetarian थाली है is one of the best Andhra thalis that I've ever had. And I must thank you because आज की जो थाली है it just adds on to my knowledge of Utsav thalis of India. Thank you so much. Thank you so much. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक ऑर्गेनिक थाली जो कि पैकेज्ड फॉर्म में डिलीवर की जाती है हैदराबाद की आईटी और मैनेजमेंट कंपनीज में. ये थाली एक टिपिकल वेज आंध्रा थाली है एंड इट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सतीश कुमार हु यूज्ड टू बी अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इन द यूएस. सो व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस थाली ही क्यों? यू कुड हैव ओपनड एन ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट. 4 इयर्स बैक आई वाज वर्किंग एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी इन यूरोप. ओके. I lost my own brother, who's a swimming champion at national level, who never had smoke or alcohol in his entire life. I lost him to pancreatic cancer. Oh, sad. I came back to India, did some research about our food, and I've realized that every stage of our food supply chain, it is getting altered. Hmm. So I wanted to address this problem. Hmm. So they started Organic Thali, where we procure organic ingredients directly from the farmer. Yes. एंड कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं समडे वन डे आई डू समथिंग. यू आर वन ऑफ दोस हु हैव डन इट. यस सर. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. प्लेजर इज माइन. थैंक यू.